कांग्रेस पार्टी आई, देवगुड़ी लेकर आई, सारी चीजें लेकर आई, कैसी चल रही है अंबिकापुर में, क्या कुछ चल रहा? मेरे को, मैं देखिए एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी से के बारे में जानता हूँ और पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के बंधु से कि एक उपलब्धि बता दें, एक उपलब्धि, एक ज्यादा नहीं, एक जिससे कि इस शहर की पहचान होती हो कि वो काम हमने किया है, एक उपलब्धि, एक काम बता दें ये शहर में। कड़ी चुनौती दिया अध्यक्ष साहब, आपसे निवेदन रहेगा, संतोष भैया पहुंचेंगे अध्यक्ष साहब के पास, एक चुनौती दी गई है कि एक काम कर दे जिससे अंबिकापुर की पहचान है, पहचान की बात आ गई है। एक चुनौती की बात उन्होंने कही है तो मैं उनके वार्ड का ही बताता हूँ, एक बोले हैं वो उनके वार्ड का बताता हूँ, जिस वार्ड से पार्षद हैं उनके बगल के वार्ड का बताता हूँ मैं कि भारतीय दो चीज इसमें शामिल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के कार्यकाल में पूरे छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने वाला केवल एक स्कूल था जिसे लड़के बचाया गया और उस स्कूल का नाम है, पूरे छत्तीसगढ़ में उस स्कूल का नाम है मल्टीपर्पज स्कूल अंबिकापुर, ये अभी अधूरी बात है। और उस स्कूल के रेनोवेशन के लिए, उस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, कभी कभी हम लोग स्कूल में मिलते भी हैं, उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति पिछले 10 साल से 15 साल से डिमांड था हमारे छात्रों का और 2.5 करोड़ की सिंगल स्वीकृति उनके स्कूल में, उनके वार्ड में हुई है। एक बहुत वर्षों से डिमांड था वो उनके वार्ड का मैंने बता दिया और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत अब मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, अब मैं बोलता हूँ। 45 किलोमीटर की लुंड्रा से रघुनाथपुर तक की सड़क, अंबिकापुर से आपके नवानगर तक की सड़क, आपको मैं बताऊँ गुनगुट्टा के नाल में कालापारा तक जो पानी पहुँच रहा है वो उपलब्धि है, फतेहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में जो काम हो रहा है वो उपलब्धि है, जो मेडिकल कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो उपलब्धि है। और एक बात कह रहा हूँ कि जब ये मेडिकल कॉलेज खोले तो ये आगे बढ़ते और पीछे तो देखते ही नहीं क्यों कह रहा है। हमारा जो जिला चिकित्सालय था उसकी सेटअप जीरो हो गई थी, उसकी स्वीकृति कराने में पहल की है। आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कोई पूरे जिले के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुराने आज महोदय मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन अध्यक्ष जी नहीं समझ पाए, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक कार्य जो बताए जिससे अंबिकापुर की, आपके कार्यकाल में ऐसा कार्य हो जिससे कि अंबिकापुर की पहचान हो, ये किसके कार्यकाल के बता रहे हैं? ये जो बता रहे हैं, सुनिए सुनिए, ये किसके कार्यकाल के बता रहे हैं आप बताइए? मैं जवाब, क्या आप इनकी बातों से सहमत है? क्या आप इनकी बातों से सहमत है? किसके कार्यकाल के, किसके कार्यकाल के बताए, और कोई किसके कार्यकाल के विकास कार्य बताए गए? मैं आऊंगा आऊंगा सबके पास माननीय जिला अध्यक्ष कांग्रेस जी से मेरा एक सवाल है। आपने जो पिछले साल 36 घोषणा लाए थे घोषणा पत्र में, उसमें माताओं बहनों का जो महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफी का बात पिछले बार भी आपने रखा था और वर्तमान घोषणा में भी आपने महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है इसका कर्ज माफी का बात रखे हैं। पिछले में आपने किसी भी स्वयं सहायता समूह का ऋण माफ किया होगा तो बताए। ठीक है, मैं इस पे बीजेपी पक्ष जानना चाहूंगा। मैं भैया के बात का जवाब देता हूँ। सक्षम योजना के तहत महिला बाल विकास से जुड़े हुए जितनी स्वयं सहायता समूह की बहनें थी जिन्होंने योजना के अंतर्गत काम किया था उनके सारे ऋण माफी किए गए और आज चाहे वो CLF के माध्यम से लोन लिया हो, चाहे वो बैंक के माध्यम से लोन लिया हो, हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। उन सभी माताओं बहनों को हमने कह भी दिया है कि अब किस्त रोक दीजिए, आप अभी मत बताइए, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, पता कर लीजिएगा दोबारा, हम तो सार्वजनिक मंच में बोल रहे हैं, मैंने विभाग का नाम भी बताया कि महिला बाल विकास के नाम माध्यम से है। आप इस बार फिर कर्ज माफी होगा, अगर अगर कोरोना का दौर नहीं होता और हमारा जो GST का पैसा टाइम लिया गया होता तो शायद ये भी काम हो जाता जी। धन्यवाद। आप इस और गिरदावरी करके काम किया, 15 क्विंटल किया और गिरदावरी करके वो 10-11-12 क्विंटल की खरीदी किया। भुगतान जो पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, एक मुश्त भुगतान हुआ करता था। एक मुश्त भुगतान होने का फायदा ये था कि किसान अपने किसी एक बच्चे को बाहर से पढ़ाने के लिए भेज देता था, या अपने मकान का दो कमरा बनवा लेता था, या किसी परिवार के उनका इलाज करा लेता था बाहर जा करके, नहीं मैं इसका इलाज जल्दी कराऊंगा, क्योंकि पैसा एक मुश्त मिलता था।
जब पैसा टुकड़े टुकड़े में मिलता है तो किसी व्यक्ति के कम उपयोग का होता है, लेकिन जब पैसा एक मुश्त मिलता है तो किसी ने बड़े उपयोग में किसान के काम आता है। उसी प्रकार बाकी क्षेत्रों में भी, जहाँ तक गैस सिलेंडर की बात हो रही, चीन के पिछले घोषणा पत्र में था कि हम 4 गैस सिलेंडर सब्सिडाइज देंगे। इस प्रदेश के लोग जाने ही नहीं कि ऐसा घोषणा भी इन्होंने किया था। तो इनके बहुत सारे घोषणा जो है कांग्रेस के मिथ्या रहे हैं, घोषणा पूरे नहीं हुए हैं। लोगों के भीतर में अब भीतर उनके हृदय में धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक आक्रोश की भावना भरती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, भ्रष्टाचार राजस्व सेक्टर में कलेक्टर जो पटवारी आता है, जो कलेक्टर अधिकारी स्वीकारा खुद है। आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब ने स्वीकारा कि काम अवरुद्ध हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो फिर इतना टाइम आपको यहाँ प्रतिनिधि उतारने में क्यों लग गया? सबसे लास्ट में आपने सूची आंकी निकाली है, इतना खौफ, इतना भय, जब सामने वाला ही प्रत्याशी मान रहा है। खौफ जैसी कोई बात नहीं होती है। जिस समय में हम 85 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में उतार चुके थे, उस समय में कांग्रेस पार्टी केवल 30 प्रत्याशी उतारी, हमारे 85 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो 5 प्रत्याशी के लिए, एक बीकापुर नगर के लिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप तो जिला अध्यक्ष हैं, क्या चल रहा था, थोड़ा शेयर कर दीजिए जनता के सामने। चार सीटों पे जो है ना, सामाजिक समीकरण के हिसाब से दिया जाता है, उसलिए रोका गया था, वो भी पूरा हो गया था, उन्होंने ठीक है। तो मैं एक बार पूछना चाहूंगा दोनों दलों के कार्यकर्ता, किसकी बनेगी सरकार? दम नहीं लगा भैया, दम नहीं लगा, किसकी बनेगी सरकार? घर आते देखते हैं कितना दम है, किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी? ठीक है, दोनों पार्टियां दम ठोक रही हैं। थोड़ा सा आपका रुख करेंगे, आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाह रहा हो इनसे, क्षेत्र की जनता सभी आपसे निवेदन है, जहां जहां तक आवाज आ रही है, इस कार्यक्रम में शरीक हो, शुमार हो, हम आपसे भी हुए कि मध्य प्रदेश में रहते छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। इनके विकास के लिए, आम जनों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। 15 साल हमने सरकार चलाकर एक सुंदर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, और 5 साल में जो जहां हमारा विकास हमने किया तो वहां जो रुक गया है, उस 5 साल के बाद फिर से जनता तैयार है। जनता अफसोस कर रही थी कि कब समय आए और फिर से हम भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दे। और साथ ही साथ सरगुजा में 3 सीट है जहां लगभग 15 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस के विधायक है, यहां भी इस पर बेशक परिवर्तन होने जा रहा है। लोगों ने मन बना लिया है और ये आने वाले 3 दिसंबर को आपको दिख जाएगा। आप कह रहे जनता के साथ छलावा हुआ, आपके घोषणा पत्र में एक बिंदु है कि 15-16-16-17 का बोनस दिया जाएगा, तो वो क्या था, वो बोनस क्यों नहीं दिया गया? क्या वो छलावा नहीं था? और अगर छलावा था तो आपने तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया, तो पब्लिक डोमेन में इसका क्या संदेश जाएगा? मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कर्ज माफी की जो बात, हमने 16-17-17-18 का बोनस नहीं दे पाया, हमारी सरकार भी चली गई, सबके सामने सरकार चली गई। किंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जब जनसंघ में हम थे, जो उस समय हमने प्रॉमिस किया था, और जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस समय जो हमने प्रॉमिस किया था, जब मौका आया पूरा करके दिखाया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर से धारा 370-35 से हटेगा हमने कहा था, एक विधान एक संविधान एक दिशा नहीं चलेगा कहा था। बहुमत में हमारी पार्टी अभी आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, और जब बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी हमने करके दिखाया। रामलला का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, ये हमारा संकल्प था, हमने करके दिखाया। मैं इनकी बात करता हूँ, सुन लो अभी, एक एक चले गए जिलाध्यक्ष जी, शब्दों के